जय हिंद दोस्तों, कैसे मेरे भाई को नई वीडियो पर स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई होने वाला है, तो आपने थंबनेल में देख लिया। मैं आपको बताने लूँ आभा कार्ड कैसे बनाएं अभी अपने मोबाइल से। दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई वीडियो होने वाला है। आभा कार्ड कैसे बना सकते हैं अभी अपने मोबाइल से घर बैठे दोस्तों चुटकियों में, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना। भाई वीडियो को स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा एंड बना नहीं पाओगे, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखो। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि यहाँ पे आपको यार नया नया चीज़ सीखने को मिलता है रोज़। अब यहाँ पे अपने गूगल को ओपन कर लेना है। अपने आभा कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पे आपको सर्च करना है आभा कार्ड, ABHA आभा CARD आभा कार्ड, यहाँ पे सर्च कर देने मेरे भाई। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट आएगी आयुष्मान भारत, यहाँ पे आभा लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समय भाई आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक पट्टी में लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्रिएट आभा नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो भाई यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट योर आभा नंबर इन आधार, यानी कि आधार नंबर से भी अपना बना सकते हो। और सेकेंड नंबर पर यहाँ पे मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप चाहो तो ड्राइविंग लाइसेंस से या आप आधार नंबर से भी क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ आधार नंबर से, क्योंकि भाई सब लोग आधार नंबर से ही बनाते हैं। तो सिंपल सा आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको मिलता है आधार नंबर डालने का ऑप्शन, यहाँ पे सिंपल सा अपने आधार नंबर को यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आधार नंबर को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने आधार नंबर को यहाँ पर 64 38, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0274, उसके बाद 49। अब दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको आई एग्री, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसको दोस्तों 1 × 2 कितना होगा, 1 × 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 लिख देना है, इंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। तो मेरे भाई जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट यहाँ पे अब OTP सेंड योर आधार मोबाइल नंबर एडिटिंग, यानी कि भाई अब आपके आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर लगा भाई उस पर एक OTP आएगा। OTP आपको फिल कर देना है भाई। सबसे पहले मैं OTP को कर देता हूँ फिल। तो OTP भाई क्या है, यहाँ पे OTP दिख रही है 48 61 84, कितना है 48 61 84 48 61 84। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलता है एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देने में भाई। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे भाई, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना मेरे भाई। अपना मोबाइल नंबर, सॉरी आपको मोबाइल नंबर भी डालना होगा यहाँ पे, तो 8858280911। अब भाई मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, अब थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, वेट करना है। मोबाइल नंबर फॉर कनेक्शन पर सेम एस आधार मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप भाई देख रहे हो यहाँ पे भाई जो आपके आधार नंबर पे मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वही आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपको कंटिन्यूएशन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो मेरे भाई, आप यहाँ पर दोस्तों एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो अगर आप चाहो तो अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। फिलहाल अगर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है मेरे भाई। क्या करना है स्किप, तो मैं फटाफट यहाँ पे स्किप, यहाँ पे आपको नीचे स्किप फॉर नाउ यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो भाई, अब यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्रिएट आभा यहाँ पे आपको दिखता है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्रिएट आभा पे इनकी मिलता है, यहाँ पे देन क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट आभा पे क्लिक कर दो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, इंटर आभा एड्रेस। तो भाई यहाँ पे आपको एड्रेस तो भाई डालना ही पड़ेगा, बिना एड्रेस भाई यहाँ पे फिल किए आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है भाई, तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है भाई, यहाँ पे ऑप्शन में आपको चूज करके दिखा दिया भाई, इस प्रकार आप भी चूज कर लेना। चूज करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे मिलता है क्रिएट आभा, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है पट्टी के ऑप्शन पे। तो मेरे भाई जैसे यहाँ पे आप क्लिक यार करते हो, करते करने करने के बाद मेरे भाई अब यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पे आभा नंबर यानी कि आभा कार्ड तैयार हो चुका है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग फिलहाल देख सकते हो मेरे भाई, काफ़ी दोस्तों मैं अच्छे से आपको दिखा दिया यानी कि कैसे बनाना है यहाँ पे, और भाई क्या करना है क्या नहीं करना मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप भाई फॉलो करते हो रोज़ को तो आसानी से बना सकते हो दोस्तों। दोस्तों आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ डाउनलोड आभा कार्ड, यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो मेरे भाई, अब क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एंड अब ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको राइट साइड में मिलता है सेव करने का ऑप्शन, मैंने सेव कर लेना है मेरे भाई, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब मेरे भाई ये तो मैंने सेव कर लिया,
आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ताकि आपको ऐसे रोज वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।